Students, now we are going to study the scoping review. In last module, we talked about the systematic literature review. Scoping review, it is somehow different from the systematic literature review. Let's see how it is different from the systematic literature review. According to Grant and Booth, uh, scoping reviews are preliminary assessment of potential size and scope of available research in literature. जो आपका स्कोपिंग रिव्यू होता है वो एक तरह से इनिशियल असेसमेंट होती है अवेलेबल रिसर्च की और ये इमर्जिंग सिचुएशंस में किया जाता है जबकि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जो है वो उसमें जब आप उसको कंडक्ट करते हैं तो देन यू हैव अ पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चन एंड यू हैव अ वेल डिफाइंड नीड फॉर अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू बट इन केस ऑफ स्कोपिंग रिव्यू यू जस्ट हैव एन एमरजिंग सोशल सिचुएशन एंड यू वॉन्ट टू सी द एकेडेमिक आउटपुट ऑफ द इंटलेक्चुअल कम्युनिटी आप इसमें देखना चाहते हैं कि एक एमरजिंग सोशल सिचुएशन को एक्डेमिक कम्युनिटी कैसे समझ रही है तो उसके लिए जो आप इनिशियल असेसमेंट करते हैं थ्रू द लिटरेचर सर्च उसको हम एज अ स्कोपिंग रिव्यू भी पब्लिश करते हैं दिस रिव्यू एम्स टू आइडेंटिफाई नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च एविडेंस यूजली इंक्लूडिंग ऑन गोइंग रिसर्च तो इसमें क्या होता है कि आप आ, आ, जो है आ, देखते हैं कि जो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है उसकी नेचर क्या है उसका स्कोप क्या है और इसमें हम आ, इंक्लूड कर लेते हैं ऑन गोइंग को भी तो जैसे अभी अगर हम कहें कि एक कोई सिचुएशन इमर्ज हो गई है पाकिस्तान में जैसे कि हमारे पास अभी रिसेंटली एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस इमर्ज हो रहा है तो उसके कुछ इश्यूज हैं तो हम देखना चाह रहे हैं कि रिसर्चर्स इसको कैसे स्टडी करें तो उसमें हम जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे और उसको जो पब्लिश करेंगे वो एज अ स्कोपिंग रिव्यू पब्लिश करेंगे तो हम देखते हैं हम डिटेल में कि जो स्कोपिंग रिव्यू है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अवेलेबल एविडेंस इन अ गिवन फील्ड कि किसी भी जो फील्ड है उसमें किस तरह का एविडेंस अवेलेबल है यानी कितनी उसके ऊपर क्वांटिटेटिव स्टडीज़ हुई हैं क्वालिटेटिव स्टडीज़ हुई हैं मिक्स मेथड स्टडीज़ कितनी हुई हैं उसमें सैम्पल साइजेस क्या हैं उनकी मेथडोलॉजीज क्या हैं तो इसके ऊपर हम स्कोपिंग रिव्यू में उसको देख सकते हैं द सेकेंड थिंग इज टू क्लैरिफाई की कॉन्सेप्ट डेफिनेशन इन द लिटरेचर सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोपिंग रिव्यू वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट इन द लिटरेचर यानी अगर आप देख रहे हैं कि कोई पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो आपके जो साइंटिस्ट हैं वो उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं तो आप डिफरेंट साइंटिस्ट के जो आर्गमेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि एक ही सोशल सिचुएशन को डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं और असेस कर रहे हैं द थर्ड थिंग इज टू एग्जामिन हाउ रिसर्च इज़ कंडक्टेड ऑन अ सर्टन टॉपिक और अ फील्ड वी ट्राई टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ आ रिसर्च के जो स्कोपिंग uh, रिव्यू जिस आप टॉपिक पे कर रहे हैं तो उसमें किस तरह की मेथोडोलॉजीज फॉलो की जा रही हैं किस तरह के एनालिसिस के पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं एंड द सेकेंड लास्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई की करैक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स रिलेटेड टू आ कॉन्सेप्ट तो आप देखते हैं कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है आपका जो वेरिएबल है उसमें कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कौन से इंटरवीनिंग फैक्टर्स हैं आप उनको समझने की कोशिश करते हैं एंड ऐट द लास्ट टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज नॉलेज गैप्स आप स्कोपिंग रिव्यू की बुनियाद पर यह कोशिश करते हैं कि आप अपना नॉलेज गैप आइडेंटिफाई कर सकें कि इस इमरजिंग सोशल सिचुएशन को समझने के लिए जो रिसर्चर्स ने काम किया है उसमें क्या नॉलेज गैप्स हैं और किन जगहों पर काम आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हैं तो हमने अभी बात की थी जब सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की तो हमने उसमें देखा था कि हम उसको पब्लिश कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्फ्रेंस पेपर रिसर्च आर्टिकल एंड अ बुक चैप्टर तो सेम इज़ द केस विद द स्कोपिंग रिव्यू एज वेल जो स्कोपिंग रिव्यू है ये आप अगर अपने थीसिस में कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो आप इसको भी पब्लिश कर सकते हैं इन अ शेप ऑफ रिसर्च आर्टिकल कॉन्फ्रेंस पेपर एंड अ बुक चैप्टर तो इन दोनों के पब्लिकेशन जो फॉर्म जो टाइप्स हैं वो सिमिलर हैं बस इनके करने का तरीका मुख्तलिफ है तो इस बुनियाद पर हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं